Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Program Analysis from CS1 11th Standard. In this chapter, we completed the programming tools, the basic meaning of this chapter, what we are doing in this chapter, and now next we are moving to linear search. Okay, so this topic is really important for your 12th also, so be with me till the end, as this topic can give you 3 marks in 12th also. Okay, so let's start. What is linear search and why we are using this? See, what is operation searching? हम ये searching topic क्यों पढ़ रहे हैं? Okay, तो अगर to find any record matching the specific criteria in a group or item or list is called as searching. Means अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ओके और उसमें से हम लोग बेस्ड ऑन सम ऑफ द क्राइटेरिया हम कोई तो भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज टिपिकल सर्चिंग. ओके, द मीनिंग ऑफ सर्चिंग वी ऑल नो, बट वॉट इज़ द मीनिंग हियर इन प्रोग्राम एनालिसिस, वॉट इज़ द मीनिंग हियर? ओके, तो हम इसमें कोई तो एक रिकॉर्ड सर्च करेंगे, कोई तो एक डेटा सर्च करेंगे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. सो सर्चिंग are of two types, linear search and binary search. Okay, so here you can see कि searching जब हम ये apply कर रहे हैं उस time हम लोग क्या use कर रहे हैं, this is known as array. Okay, array ये आप 12th में जाके पढ़ोगे deep में. What is array? Array में क्या होता है, एक से ज़्यादा values हम use कर सकते हैं. You can see मैंने यहाँ पे 6 values use की हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे a of 6 लिखा है. एरे का नाम क्या है, ए है, इसमें टोटल 6 वैल्यूज है. ओके, सो इट इज ए ऑफ 6, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम यू कैन गिव, ए बी सी डी एक्स वाई जेड. ओके, तो इसमें आप एक साथ में बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, इसका बेनिफिट ये है. तो इतनी सारी वैल्यूज में से मुझे मेरा एक वैल्यू सर्च करना है. ओके, सो सपोज मेरा जो वैल्यू सर्च करना है दैट इज 8. ओके, तो ये जो a ऑफ 6 का सीरीज है, ये पूरा जो डेटा है, इसमें मैं क्या करूँगी, मैं इस 8 को ये फर्स्ट वाली प्लेस पे जाके कंपेयर करूँगी. ओके, आई विल कंपेयर दिस 8 विथ द डेटा प्रेजेंट एट द फर्स्ट प्लेस. तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 3. कंपेरिजन क्या हो गया, दीज 2 वैल्यूज आर नॉट सेम. ओके, सो मैं अभी नेक्स्ट प्लेस पे जाऊँगी, आई विल गो एट द नेक्स्ट प्लेस एंड ऑन द नेक्स्ट प्लेस आई गॉट दिस 5. सो अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये क्या हो रहा है, ये भी सेम नहीं है. बट एट द थर्ड प्लेस यू कैन सी आई एम हैविंग 8. सो जब मैंने ये वैल्यू जो मुझे सर्च करनी है और थर्ड प्लेस की वैल्यू को मैंने कंपेयर किया, सो मुझे ये दोनों भी वैल्यू सेम मिली. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग, आइटम इज़ फाउंड एट लोकेशन 3. तो ये मेरा जो भी वैल्यू था जो मुझे सर्च करना था, वो मेरे रिकॉर्ड में कौन से प्लेस पे मिला, वो थर्ड वाली प्लेस पे मिला. ओके, तो अगर वो वैल्यू मिल जाता है तो वो प्लेस का वैल्यू प्रिंट होगा कि कौन सी प्लेस पे मिला है, और नहीं मिलेगा तो आइटम इज नॉट फाउंड. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिकली लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, एंड स्पेशली द मीनिंग विच वी सॉ हियर इट इज़ लीनियर सर्च. ओके, सो इस सर्च के लिए हमें एल्गोरिदम देखना है, एंड एल्गोरिदम इज ऑल्सो इन 12th. दीज बोथ ऑफ दीज एल्गोरिदम्स आर इन 12th फॉर 3 to 4 marks. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी लीनियर सर्च एल्गोरिदम, तो इसमें आपको करना क्या है, ये मैंने देखो स्टार्ट टू एंड आपको लिख के बताया है. ये इफ एन आइटम्स, एन आइटम्स मीन्स वॉट, अगर आपके पास ढेर सारी वैल्यूज है, लाइक एन का वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी, आर गिवन एंड यू वॉन्ट टू फाइंड वेदर आइटम इज प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ आइटम्स और नॉट. और आपको चेक करना है कि जो भी आपको सर्च करना है वो इस एन आइटम्स में प्रेजेंट है कि नहीं, देन अल्गोरिदम फॉर दैट इज एज फॉलोज. ठीक है, तो अभी हम लोग वो अल्गोरिदम देखेंगे. तो इस एल्गोरिदम में मैंने एरे नेम एज ए यूज किया है. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैपिटल एन में स्टोर करूंगी, एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड उसको मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ, द वेरिएबल आइटम. ओके, एंड आई विल बी हियर
फॉर काउंटर, सिर्फ काउंट करने के लिए, 1 2 3 4 काउंटिंग के लिए. ओके, सो इतना सारा डेटा मैं यूज करने वाली हूँ. सो हाउ विल यूज, विल सी इन दिस एल्गोरिदम. सो सी हियर, एल्गोरिदम में क्या है, एल्गोरिदम मेरा स्टार्ट हो रहा है और मैंने जैसे बताया था लास्ट वाला स्टेप मेरा स्टॉप होगा. रीड एन एन आइटम टू बी फाउंड. एन मीन्स वॉट, कितनी वैल्यूज है आपके पास रिकॉर्ड में और कौन सी वैल्यू सर्च करनी है वो आपको रीड करना है. देन इनिशियलाइज काउंटर एज वन. आई एक क्या है, काउंटर है, तो आप उसको वन से स्टार्ट कर दो. मीन्स आई इज इक्वल टू वन, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आई इज इक्वल टू वन, मतलब ऐसा समझना है कि आई का वैल्यू वन से स्टार्ट हो रहा है. अब आई का वैल्यू जब वन है तो वन और जो आइटम आपको सर्च करना है वहाँ पे कंपेयर होगा. ओके, अगर कंपेरिजन ट्रू हुआ है सो यू हैव टू प्रिंट द प्लेस कि कौन से प्लेस पे आपको वो कंपेरिजन ट्रू मिला है, और नहीं हुआ है तो आई को इंक्रीमेंट करना है. मीन्स वॉट, आई का वैल्यू वन था, नाउ इट विल बी आई इज इक्वल टू वन प्लस वन. इंक्रीमेंट मीन्स वो एक एक से प्लेस उसका चेंज होते जाएगा, नाउ आई का वैल्यू टू हो जाएगा, तो वो सेकेंड प्लेस का डेटा कंपेयर करेगा. ओके, सो ये कंपेरिजन कब तक होगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है तब तक. ओके, तब तक वो ट्रू होगा तो आपको स्टेप नंबर फोर पे जाना है, और अगर नहीं मिला, ये फॉल्स हो गया, तो आइटम इज नॉट फाउंड. ओके, सो बेसिकली बाय दिस एल्गोरिदम बेटर टू डू दिस कंपाइलेशन विच विल बी इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, हम लोग एक कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम, जिससे आपको ये सारे स्टेप्स दिमाग में बैठ जाएंगे. सो सी, वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम हियर, रीड एन. सो देखो, मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिया है, तो एन का वैल्यू कितना है, फोर. मेरे पास फोर वैल्यूज है. एंड आइटम टू बी फाउंड, और जो वैल्यू मुझे सर्च करना है, मैंने क्या एंटर किया है, आइटम का वैल्यू सेवन. इनिशियलाइज काउंटर आई टू वन, तो मैंने, आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, आई इज इक्वल टू वन. ओके, नाउ इफ ए ऑफ आई मीन्स आई की जगह मैं अब वन लिखूंगी, ए ऑफ वन इज इक्वल टू आइटम, आइटम का वैल्यू क्या है, सेवन. दिस इज ट्रू और फॉल्स. सो ए ऑफ वन क्या है, ये मेरा ए ऑफ वन है, दिस इज माई ए ऑफ वन. ओके, आप इस डेटा की जगह पे आप चाहो तो आप ए भी लिख सकते हो, डेटा भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो देखो मैंने अभी यहाँ पे ए लिख दिया. सो ए ऑफ वन का वैल्यू क्या है, टू. सो टू इज इक्वल टू सेवन, ट्रू और फॉल्स. सो दिस इज फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या करना है, देखो अभी आप इसे फिर से रीड करो. इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू आइटम, देन प्रिंट आइटम इज फाउंड एट वन, और नहीं है तो इंक्रीमेंट आई. ओके, सो मेरा आई का वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगा, तो आई का वैल्यू पहले क्या था, वन, अब क्या हो जाएगा, टू. ओके, नाउ कम टू फिफ्थ स्टेप. इफ आई, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इफ आई का वैल्यू कितना है, टू. टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, एन का वैल्यू क्या है, फोर. जस्ट आप जैसे मैथ्स में वैल्यू लिखते हो ना, बस आपको वैसे ही वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते जाना है. तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, येस, ये जो मैंने टू एंटर किया है और जो आई का वैल्यू टू है, ये फोर से छोटा है. ओके, सो दिस इज ट्रू. इफ इट इज ट्रू, देन गो टू स्टेप नंबर फोर. वॉट इज योर स्टेप नंबर फोर, दिस इज. ओके, सो अगेन ए ऑफ, अब आई का वैल्यू क्या है, टू है, इज इक्वल टू सेवन, ए ऑफ टू में क्या है अभी, फोर. सो इज दिस ट्रू दैट फोर इज इक्वल टू सेवन, नो दिस इज फॉल्स, वी कैन सी दैट फोर इज नॉट इक्वल टू सेवन. एंड इफ इट इज फॉल्स, अगर ट्रू होता तो मुझे ये प्रिंट करना रहता, बट इट इज फॉल्स, तो एल्स में जाना है और इंक्रीमेंट आई करना है. सो माय वैल्यू ऑफ आई विल बी थ्री नाउ, पहले टू था, अब ये थ्री हो जाएगा. नाउ आफ्टर इंक्रीमेंटेशन विच इज द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ वन. इफ इफ आई, आई का वैल्यू इज थ्री, इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स, तो यस, वी ऑल नो दैट थ्री जो है ये फोर से छोटा है. ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है, देन क्या करना है मुझे, गो टू स्टेप फोर.
अगेन आई विल गो ए एट थ्री इज इक्वल टू सेवन. क्या ए ऑफ थ्री का जो भी वैल्यू है ये सेवन के बराबर है? सो दिस इज माई ए ऑफ थ्री. यस, सेवन इज इक्वल टू सेवन. ओके, सो वॉट इज द मीनिंग? दिस इज ट्रू. इफ दिस इज ट्रू देन वॉट विल बी द आंसर? देन आइटम इज फाउंड एट पोजिशन आई. मीन्स अब क्या होएगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि आइटम जो भी था वो कहाँ पे मिला? एट आइटम इज मीन्स सेवन इज फाउंड एट थर्ड प्लेस. ओके, थर्ड प्लेस. ओके, सो दिस विल बी योर प्रोग्राम. क्लियर? और अगर आपको नहीं मिलेगा ये स्टेप टिल द एंड जाएगा तो उस जगह पे क्या दिखाई देगा आपको? आइटम नॉट फाउंड. ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस विथ योर ओन डेटा. आप अपने वे में आप डेटा लिख सकते हो, कुछ भी. यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज कर सकते हो. ये फोर की जगह फाइव सिक्स तक ही लेना आप, क्योंकि और फोर फाइव सिक्स तक होगा तो कंपाइलेशन इजी होगा. इट्स नोन एज कंपाइलेशन. आप एक प्रोग्राम, जैसे एक कंप्यूटर रन करता है, आप उस प्रोग्राम को रन करके देख रहे हो. ओके, सो डू दिस प्रॉपरली. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, प्लीज टेल मी थ्रू ईमेल और थ्रू कमेंट्स. ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली इन ट्वेल्थ फॉर थ्री मार्क्स. तो ये टॉपिक ट्वेल्थ में भी है थ्री मार्क्स के लिए. सो प्लीज 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 डू दिस. And please practice it by writing. And once you will do compilation by your own, then this topic will be very much simple for you. Okay? So please do this. And in our next class, we'll do binary search. And this is tougher than linear search. तो आपको अगर linear search अच्छे से आ जाएगा, उसका concept आपको clear होगा, तो binary search easy होगा. And this binary search is also important in board for 4 marks. So this chapter is very much beneficial as per your board exam also. Okay? For next year also. So please do this properly and we'll see this topic in our next class. Till that time, practice linear search very well. Okay? Thank you, class.